फ्रेंड्स, वेलकम टू नीलम्स किचन। हम सभी डोमिनोज तो जाते ही हैं और पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करते हैं, और साथ में हम टाकोस भी ऑर्डर करते हैं। तो आइए, आज मैं आपको टाकोस बनाने की एक बहुत इजी सी रेसिपी लेके आई हूँ और उसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने खाली मिक्सिंग बाउल लिया है और उसमें एक कप आटा छान कर रख लिया है, और उसमें एक पिंच नमक और आधा चम्मच घी या रिफाइंड कुछ भी ऐड कर दीजिए। आइए हम अपना आटा गूंथना शुरू करते हैं। हम अपने आटे में थोड़ा थोड़ा पानी ही मिक्स करेंगे और उसका सॉफ्ट डो बनाएंगे। हमारा ये सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो गया है। हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। मैंने मीडियम फ्लेम पर एक पैन को गर्म होने रख दिया है और उसमें रिफाइंड ऑयल या घी 1 चम्मच डाल देंगे, और उसी के अंदर मैंने 10 से 12 साबुत लाल मिर्च क्रंची होने तक इनको फ्राई करना है। मिर्च हो चुकी है फ्राई, अब हम अपनी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मैंने जो ये लाल मिर्चें फ्राई की थी उनको मैं अपने बाउल में ट्रांसफर कर दूंगी और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी मिर्च अच्छे से क्रश हो गई है। अब मैं इसके अंदर 2 बॉईल किए हुए आलू ऐड करूंगी और उनको भी इसी तरह से मिक्स करूंगी ताकि इसमें गांठे न रहे। इस तरह से इनको मिक्स करना है। हमारे आलू अच्छे से मैश हो गए हैं। मैंने मीडियम फ्लेम पर एक कढ़ाई को गर्म होने रखा है और उसमें 1 चम्मच घी ऐड किया है। 2 मैंने रफली चॉप प्याज काट के रखे थे, उनको इसमें ऐड कर देंगे और उनको पिंक होने से भूनेंगे। हमारी प्याज काफी पिंक हो गई है, फ्लेम को ऑफ कर दूंगी।
अब इस आलू में हम अपनी जो पिंक हमारी प्याज है उसको ऐड कर देंगे और उसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस मिश्रण में हम थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करना है और इन सभी को अच्छे से मैश कर लेंगे। हमारी सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। हमारे आटे को 5 मिनट हो चुके हैं, आइए इसे चेक करते हैं। अब मैं इसमें से छोटी छोटी बॉल लेकर और इनको छोटी छोटी रोटियों की शेप में बेलूंगी। इसी तरह से हम 3-4 रोटियां तैयार करके रखेंगे। मैंने अपनी रोटियों को बेलकर रख लिया है, अब हम इन्हें सेकना स्टार्ट करेंगे। मैंने मीडियम फ्लेम पर एक तवे को गर्म होने रखा है और उस पर हम अपनी रोटी को डाल देंगे। इन्हें हमें हल्का सा ही सेकना है, इसी तरह से हम दूसरी तरफ से सेकेंगे। सबसे भी हमारी रोटी सिक चुकी है, अब हम इसे एक प्लेट पर रख देंगे और अपनी दूसरी रोटी को भी इस तरह से सेकेंगे। अब हम दूसरी तरफ से भी इसे इसी तरह से सेकेंगे। मैंने अपनी सभी रोटियां सेक कर तैयार कर ली हैं और हल्की हल्की सिकी हुई सभी रोटियां तैयार हो गई हैं। अब मैं इनके ऊपर पिज्जा सॉस लगाऊंगी, आप चाहें तो सॉस भी लगा सकते हैं। मैंने इसको पिज्जा सॉस को वहीं पर ही तैयार किया है। अब मैं इसमें हाफ साइड में चीज डालूंगी। मैंने जो आलू का मिश्रण तैयार किया था वो अब चीज के ऊपर फैला देंगे। और इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी चीज और डालेंगे। अब मैं इसे फोल्ड कर दूंगी और इसी तरह से हम अपने सभी टैकोस तैयार करेंगे। हम
हमारे सभी टैकोस रेडी हो गए हैं। अब मैं इन्हें तवे पर सेकूंगी। मैंने एक तवे को गैस पे गर्म होने रख दिया है और उसके ऊपर आप अपनी इच्छा से घी या रिफाइंड कुछ भी एक चम्मच डाल दें और अपने इस टैकोस को इस पर इस तरह से रख दें। और इनको क्रिस्पी होने तक दोनों साइड से सेकें। अब मैं इन्हें टर्न कर दूंगी। अगर आपको घी कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा घी इस पर ऐड कर सकते हैं। इनको भी अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। हमारे ये दोनों अच्छी तरह से सिक चुके हैं। इसी तरह से हम अपने दोनों टैकोस और तैयार करेंगे। हमारे सभी टैकोस बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।